नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने सोचा है कि भारतीय सेना अब मेटावर्स में, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, मेटावर्स में अब भारतीय सेना जाकर युद्ध की तैयारी करेगी। कैसे होगा इसके बारे में आपको हम बताते हैं, लेकिन ये जानना बड़ा आवश्यक है कि भारत हमेशा से एक शांति का समर्थक देश रहा है और हमने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। शायद इसीलिए पूरे विश्व में भारत ने सैन्य दूत की जगह शांति दूत भेजे, पर इसका खामियाजा भी हमें अपना रक्त चुकाकर ही भरना पड़ा है, क्योंकि दुनिया ने हमारी ही वैज्ञानिकता और हमारी ही तकनीक का प्रयोग रक्तपात करने के लिए और देशों को जीतने के लिए किया है। साम दाम दंड भेद की नीति की बात करें तो इसका भी प्रयोग आप जानते हैं किस तरीके से इस्लाम ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इस्लामिक लुटेरे भारत में जीतते रहे क्योंकि उनके पास बारूद था, अंग्रेज जीते क्योंकि उनके पास और भी उन्नत तोपखाना था, चीनी जीते क्योंकि 1962 के युद्ध में उनके पास आधुनिक हथियार थे, तो हमारे पास सिर्फ शौर्य था। लेकिन आज जमाना बदल रहा है, शौर्य के साथ साथ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भी होना अत्यंत आवश्यक है। अब भारत ने अपने इसी इतिहास से सीख लेकर अपनी सेना को मेटावर्स टेक्निक से प्रशिक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए सेना प्रशिक्षण कमान ने 13 मई को नई दिल्ली में वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम से एक सेंटर विकसित करने की योजना बनाई है और गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का प्रोटोटाइप नेम वॉर्डेक है। यह भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन बेस्ड एक ट्रेनिंग सेंटर होगा जो वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स को डिजाइन करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं क्या? इस तरीके से भारत के अंदर अब जो प्रगति हो रही है वो अपने आप में एक भारत के आने वाले समय में विश्व गुरु बनने का संदेश है। अब आइए हम आपको इसके बारे में ढंग से समझाते हैं कि इस सेंटर का इस्तेमाल जो है वो सेना द्वारा मेटावर्स एनेबल्ड गेम प्ले के माध्यम से अपने सैनिकों को ट्रेनिंग करने और उनकी रणनीतियों को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये एक काल्पनिक युद्ध क्षेत्र जो है सेना को वास्तविक युद्ध क्षेत्र से भी ज़्यादा असली लगेगा। इसके द्वारा हमारे सैनिकों को कम संसाधन में यानी कि कम से कम रिसोर्सेज में एकदम एक रियल युद्धाभ्यास का अनुभव होगा और उसके लिए असली वेपन्स को बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब युद्ध के मॉडल को युद्धों के साथ साथ आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भी तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके और वर्चुअल रियलिटी को यूज़ करके इंडियन आर्मी अब आने वाले समय में एक ट्रेनिंग जिस तरीके से उनको मिलेगी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी और बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगी। अब RRU आने वाले 3 से 4 महीनों में इस केंद्र को विकसित करने के लिए टेक महिंद्रा के साथ भी हाथ मिला सकता है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाला ये संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिसिंग में माहिर है। राष्ट्रीय महत्व का ये संस्थान गांधीनगर के लवड गांव में स्थित है, जिसको ये दर्जा संसद के एक अधिनियम द्वारा दिया गया है। ये अनुकरण अभ्यास कैसे चलेगा इसके बारे में आपको बताते हैं कि RRU के एक अधिकारी ने कहा कि मेटावर्स में सैनिकों को यथास्थिति का वास्तविक अनुभव मिलेगा। यानी कि अगर 5 किलो वजन का हथियार गिरता है या हवा का दबाव गिरता है तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे ये असल घटना वास्तविक समय में हो रही है। तो यानी क्या होगा कि तमाम हथियारों को वेस्ट करना से हम बचेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे। अब ऐसे कितने देश हैं जो इस तरीके के युद्धाभ्यास का प्रयोग करते हैं जो कि मेटावर्स में चलता है? आपको बता देते हैं कि 9/11 के हमलों के बाद से IT एनेबल्ड वॉर गेमिंग का प्रयोग जो है अमेरिका, इसराइल, UK जैसे कई देशों के द्वारा आतंकवादी हमलों से बचने के लिए या युद्ध के मामले में संभावनाओं के लिए ट्रेनिंग देने के लिए तैयार किया जाता है। मार्च 2014 में पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित कई विश्व नेताओं ने हेग शिखर सम्मेलन के दौरान एक परमाणु हमले के मामले में प्रतिक्रिया करने के बारे में एक युद्ध सिमुलेशन गेम खेला था। उस मामले में परमाणु हमले का लक्ष्य ब्रिनिया नाम का एक काल्पनिक देश था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सशस्त्र बलों के अलावा BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB भी बेहतर प्रशिक्षण के लिए इस मेटावर्स एनेबल्ड वॉर गेम सिमुलेशन प्रैक्टिस का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पूरी तरह से तल्लीन करने वाला प्रशिक्षण अनुभव प्रदान कर सकता है, क्योंकि ये वास्तविकता के करीब एक युद्ध के मैदान का अनुकरण कर सकता है और युद्ध की जो संभावित घटना है उसमें कई घटनाओं का मानचित्रण कर सकता है। तो इससे एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस मिलेगा हमारे सोल्जर्स को और सरकार का ये कदम इस समय बहुत फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही प्रशंसनीय है।
तो दोस्तों आपको सरकार का ये कैसा कदम लगा, इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, नमो नमो लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।